एनएस न्यूज लाइव पर। भंडारा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र से 4 उम्मीदवारों के नाम अवैध हुए हैं, तो वही 66 उम्मीदवारों के नाम निश्चित हुए हैं। साकोली से 2, भंडारा व तुमसर से 1-1 नामांकन रद्द किया गया है। तुमसर, भंडारा और साकोली विधानसभा मतदार संघ के लिए 60 उम्मीदवारों के नाम दाखिल हुए हैं। शनिवार को नामांकन जांच कराई गई, इसमें 4 उम्मीदवारों के नामांकन अवैध साबित हुए हैं। तुमसर से सदाशिव शिवा ढेंगे, भंडारा से अनिता कुंजन शेंडे, साकोली से आमदार राजेश काशीवार और नानाजी चेटुले, इनका समावेश है। विधानसभा चुनाव नामांकन पीछे लेने की 6 अक्टूबर अंतिम तारीख है। जिले से 3 विधानसभा मतदार संघों से अभी 66 उम्मीदवार मैदान में हैं। अभी कितने उम्मीदवार अपना नामांकन पीछे लेते हैं, इस पर सभी का ध्यान लगा हुआ है। सोमवार को चुनाव का पूरा दृश्य स्पष्ट हो जाएगा। तुमसर, भंडारा और साकोली, इन तीनों मतदार संघों में त्रिकोणीय लड़त होने के आसार अभी भी दिख रहे हैं। तुमसर में भाजपा से प्रदीप पडोड़े, राष्ट्रवादी से राजू कारे मोरे और इनके साथ अपक्ष आमदार चरण वाघमारे मैदान में हैं। वाघमारे इनकी उम्मीदवारी कायम होने से त्रिकोणीय लड़त निश्चित है। भंडारा में महायुति से अरविंद भालाधरे, आघाड़ी से जयदीप कवाले, इनका समावेश है। वो भी किसी भी हाल में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साकोली में वाघाई, इन्होंने उम्मीदवारी घोषित करने से तीनों मतदार संघों में लड़त के निशान दिख रहे हैं। एन मौके पर टिकट कटने से पक्ष के प्रमुख नेताओं ने जबान देने के बावजूद उम्मीदवारी रद्द करने से जिले के नाराज नेताओं ने बगावत का झंडा हाथ में लिया है। अब यह देखना है कि पक्ष सृष्टि इन बगावत करने वाले नेताओं को क्या आमिष देते हैं और कौन अपनी बगावत पीछे लेता है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।